हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ मेरा फ्लिपकार्ट का हॉल वीडियो शेयर करने वाली हूँ। तो मैंने बहुत सारी शॉपिंग की है फ्लिपकार्ट से, बहुत मतलब ह्यूज नहीं है, बट हाँ कुछ 8 to 10 आइटम्स है जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो सारे के सारे प्रोडक्ट्स मेकअप नहीं है, कुछ एक दो प्रोडक्ट्स जो है वो इधर उधर की भी है, बट मैंने सोचा कि हॉल वीडियो कर ही रही हूँ तो आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, एंड यहाँ पे मैं स्क्रीन पर अपने इंस्टाग्राम का हैंडल भी प्रोवाइड कर रही हूँ, तो आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो मेरा जो फर्स्ट प्रोडक्ट है दैट इज लेंस, तो मैंने जो है यहाँ पे ऑप्टिफाई का ये वाला लेंस ऑर्डर किया था फ्लिपकार्ट से। तो ये एक लोकल ब्रांड का लेंस था, मैंने कभी लेंस अप्लाई नहीं किया था, इस वजह से मैं ज्यादा पैसे इन्वेस्ट नहीं करना चाह रही थी। जस्ट मुझे जो है क्वालिटी चेक करनी थी एंड किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं वो सारी चीजें मुझे प्रैक्टिस भी करनी थी, इस वजह से मैंने एक सस्ती सी लेंस ऑर्डर की। तो ये मुझे 200 रुपीज का पड़ा था। तो मुझे ये वाला लेंस मिला था एंड साथ में मुझे इस तरह का कंटेनर मिला था जिसमें आप अपने लेंस को स्टोर कर सकते हैं, और इसके साथ साथ मुझे यहाँ पे लेंस का सोल्यूशन भी मिला था इसी कंपनी का। तो अंदर आपको कुछ इस तरह का प्रोडक्ट मिल जाता है। तो ये जो है जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो आप इसको 30 डेज में तक ही यूज कर सकते हैं, उसके बाद आप 3 मंथ्स तक ही यूज कर सकते हैं। यस, 3 मंथ्स तक यूज कर सकते हैं, उसके बाद जो है ये वाला लेंस ये वाला सोल्यूशन आप अपने लेंस के लिए यूज नहीं कर सकते हैं, आपको सोल्यूशन चेंज करना पड़ेगा। प्लस ये वाला जो लेंस है ये रियूजेबल है, बट आप इसको सिर्फ 30 टाइम्स ही यूज कर सकते हैं। हाँ, मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि क्या मैं इसको 30 डेज तक यूज करूँ या फिर 30 टाइम्स यूज करूँ, क्योंकि इसमें मेंशन है कि आप इसको 30 टाइम्स यूज कर सकते हैं। तो इन केस अगर आपको लेंस के बारे में थोड़ा बहुत भी आइडिया है, नॉलेज है, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मुझे इसको 30 डेज तक यूज करना चाहिए या फिर 30 टाइम्स तक यूज करना चाहिए। नेक्स्ट, मैंने ये वाले मेकअप ब्रशेस परचेज किए हैं कुछ दिनों पहले ही, और इसका मैंने एक प्रॉपर रिव्यू वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। इनकेस अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस वाले ब्रश को परचेज करने में तो लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह की क्वालिटी रिसीव होती है। तो कुछ इस तरह के आपको ब्रशेस मिल जाते हैं, क्वालिटी इज गुड। अगर आपको डिटेल रिव्यू देखना है, अगर आपको इंटरेस्ट है इस वाले प्रोडक्ट में, तो आप इसका डिटेल रिव्यू जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। इसमें आपको टोटल 11 ब्रशेस का सेट मिल जाता है। एक आपको यहाँ पे फिश ब्रश भी मिलता है विच इज काइंड ऑफ क्यूट। तो ये मुझे मिला था आई गेस 500 रुपीज में। फिर मैंने फ्लिपकार्ट से ये कुछ लैशेज मंगवाए थे, तो ये मुझे 200 रुपीज का पड़ा था। एंड इस तरह की इसकी आउटर पैकेजिंग है, इसका जो ब्रांड है दैट इज ईएमएक्स, ऑब्वियसली लोकल ब्रांड है। तो मैं जो है इस फिनिशिंग वाले लैशेस को कब से ढूंढ रही थी, बट मुझे ये वाले लैशेस नहीं मिल रहे थे। मैं जनरली लोकल ब्रांड्स के लैशेस ही यूज़ करती हूँ अपने आईज़ पे अप्लाई करने के लिए, क्योंकि मैं भी बिगनर हूँ एंड मेरा बजट टाइट होता है। तो मैं इस तरह के लैशेस परचेज कर लेती हूँ, कुछ दिन यूज़ करती हूँ, देन थ्रो कर देती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छी क्वालिटी का हेयर आपको इसमें मिल जाता है, ऑल दो इसका जो क्वालिटी है दैट इज़ प्लास्टिक की। तो आपको जो है एक पेयर अराउंड 40 रुपीज का पड़ेगा। तो उसमें आप नेचुरल फिनिश वाले लैशेस के बारे में बिल्कुल सोच भी नहीं सकते, क्योंकि ऑब्वियसली प्राइस बहुत ज्यादा कम है। बट आप देख सकते हैं कि फिनिशिंग इसकी बहुत अच्छी है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। इफ यू आर समवन जिसको लैशेस में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। पैकेजिंग इसकी बहुत अच्छी है, इजिली आप इसको स्टोर कर सकते हैं। इसमें आपको एक इस तरह का ग्लू भी मिल जाएगा जो कि कोई काम का नहीं है, क्योंकि इसका ग्लू जो है बिल्कुल ड्राई है, और प्लस क्वालिटी भी इसकी अच्छी नहीं है, देख के ही समझ में आ रहा है। तो आप जो है अलग से ग्लू परचेज कर सकते हैं और ये वाले लैशेस परचेज कर सकते हैं। तो मुझे पर्सनली ये लैशेस बहुत अच्छे लगे। तो ये कैमरास के लिए ठीक है, अगर आप ब्राइड हैं तो भी ठीक है, एंड अगर आपको जो है फेक लैशेस जो विजिबल होता है, जो पता चलता है, उससे कोई इशू नहीं है, तब आप इसमें इन्वेस्ट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट, मैंने यहाँ पे कुछ फोन कवर्स मंगवाए हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 फोन कवर्स ऑर्डर किए थे फ्लिपकार्ट से। तो एक जो है ये कुछ इस तरह का फ्लोरल प्रिंट में है विच इज ब्लू इन कलर। तो ये मेरी सिस्टर के लिए मैंने ऑर्डर किया था, ऑलरेडी मैं पहले ही ब्लू कलर के फोन कवर्स ट्राई कर चुकी हूँ, इस वजह से मैंने ब्लू नहीं ऑर्डर किया था। आप इसकी क्वालिटी देख सकते हैं, क्वालिटी बहुत अच्छी है। मटेरियल इसकी प्लास्टिक ही है और साइड से आपको इस तरह का फिनिश मिल जाता है, ठीक है, और यहाँ से आपको कोई भी इस तरह से प्रोटेक्शन नहीं मिलता है। और ये जो है थोड़ी सी स्लिपरी है, तो बहुत लोगों को पसंद नहीं आएगी, और इसको अप्लाई करने से थोड़ा सा ऑब्वियसली फोन में वेट आ जाता है, तो कई लोगों को इस तरह के कवर्स पसंद नहीं आते। बट मैंने पहले भी यूज़ किया है तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, एंड ये कवर मैंने खुद के लिए ऑर्डर किया था, मेरे फ़ोन के लिए मैंने ऑर्डर किया था, तो ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने वाइट कवर्स कभी ट्राई नहीं किए थे, तो मैंने इसको ऑर्डर किया है, एंड थोड़ा सा मार्बल काइंड ऑफ इसका फिनिश है, और दोनों बिल्कुल सेम है, जस्ट प्रिंट यहाँ पे डिफरेंट है, तो मैंने इनको ऑर्डर किया था। और एक जो कवर है ये मुझे 199 रुपीज़ का पड़ा था।
नेक्स्ट मैंने ऑर्डर किया है हिलारी रोडा का ये वाला आई शेडो पैलेट। आई नो मैंने हिलारी रोडा के ऑलरेडी एक दो पैलेट्स पहले परचेज करके उसका फुल रिव्यू वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया है। मैं हर बार जब भी कोई लोकल ब्रांड के या फिर अफोर्डेबल रेंज के आई शेडो पैलेट्स परचेज करने जाती हूँ तो हर बार यही सोचती हूँ कि इस बार मुझे हिलारी रोडा की पैलेट को परचेज नहीं करना है, मैं कुछ दूसरा ब्रांड ट्राई करना चाहती हूँ। बट इसके कलर्स इतने अच्छे होते हैं, पैकेजिंग कुछ अलग लगी, इस वजह से आई वॉज सो अट्रैक्टेड, मुझे इसको डेफिनेटली ट्राई करना था। इस वजह से मैंने अगेन हिलारी रोडा का ही आई शेडो पैलेट परचेज किया है। तो आउट से कुछ इस तरह का लाइक हमारा प्रोडक्ट दिखता है, मैं इनर से भी दिखा देती हूँ। तो इनर से जो है इस तरह का लाइक प्रोडक्ट है, आप देख सकते हैं बहुत लग्जूरियस लग रहा है। ये मुझे 265 रुपीज का पड़ा था डिलीवरी चार्जेस को ऐड करके, तो बहुत ही हाई एंड सा ये वाला प्रोडक्ट मुझे बाहर से लग रहा है। अगर आप इसका फुल डिटेल रिव्यू देखना चाहते हैं तो मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोड कर दिया है, आप चेकआउट कर सकते हैं। और मैं इनर से भी दिखा देती हूँ क्योंकि कई लोग एक्साइटेड बहुत होते हैं। अगर आपने मेरे लाइक रिव्यू वीडियो को चेकआउट नहीं किया तो आप देख सकते हैं कि अंदर से आपको इस तरह के बहुत ही कलरफुल कलर्स मिल जाएंगे। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ये वाला पैलेट, क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। इन केस अगर आप देखना चाहते हैं कि इसकी इसकी पिगमेंटेशन किस तरह की है, परफॉर्मेंस किस तरह की है, तो आप मेरे वीडियो में चेकआउट कर सकते हैं। फिर मैंने यहाँ पे ऑर्डर किया है फेसेस का ये फेस पैलेट। तो ये जो है फेसेस कनाडा का फेस पैलेट है और ये आउटर पैकेजिंग है इस पैलेट की। उसके बाद जैसे ही आप इसको रिमूव करेंगे तो कुछ इस तरह का आपको लाइक पैकेजिंग मिल जाएगा फ्रॉम इनसाइड। तो इस तरह से जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि थर्मोकोल से ये प्रोटेक्टेड है, जो कि आपके प्रोडक्ट को बहुत सिक्योर बनाता है। और जैसे ही आप इस लाइक ये वाले प्रोडक्ट को ओपन करेंगे तो आपको अंदर जो है इस तरह की फिल्म मिल जाएगी, लाइक ये वाली फिल्म मिल जाएगी जो आपके प्रोडक्ट को अच्छी तरह से सिक्योर करती है। तो आप देख सकते हैं कि इसका साइज जो है ये कुछ इस तरह का है, ट्रैवल फ्रेंडली है, स्मॉल साइज है, तो अगर आपको कैरी करना है तो उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। मैंने ये वाला जो मेकअप लुक क्रिएट किया है इसी पैलेट को मैंने यूज किया है एज अ ब्रॉन्जर और ब्लशर और हाईलाइटर जो आपको फेस पे दिख रहा होगा। आई जस्ट लव दिस पैलेट। ऑल दो इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है 899 रुपीज़, बट मैंने इसको सेल में परचेज किया था, ये मुझे 585 रुपीज़ का पड़ा था, तो बहुत अफोर्डेबल है। एंड येस ऑथेंटिक प्रोडक्ट है, ये बिल्कुल भी डुप्लीकेट नहीं है, मैंने चेक कर लिया है, सारी चीज़ें मैंने चेक कर ली है, एंड ये जो है ओरिजिनल प्रोडक्ट ही है। और इसमें जो है आपको दो वेरियंट्स मिल जाएंगे, एक फ्रेश मिल जाएगा, एक ग्लो मिल जाएगा। तो मेरे पास जो वेरियंट है दैट इज़ फ्रेश। फ्रेश जो वेरियंट है दिस इज परफेक्ट फॉर फेयर टू विटिश स्किन टोन, और अगर आपकी मीडियम टू डीप स्किन टोन है तो आप ग्लो वाले पैलेट के साथ जा सकते हैं। ग्लो वाला जो पैलेट है वो कोई भी शेड का जो पर्सन है यूज कर सकता है, आपकी कोई भी शेड आप यूज कर सकते हैं। बट ये वाला जो पैलेट है ये सिर्फ फेयर स्किन टोन वाले ही यूज कर सकते हैं क्योंकि कलर्स थोड़े से लाइट हैं जो कि डीप स्किन टोन पे विजिबल नहीं होगा। तो मुझे क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी लगी, मैं जस्ट रुक नहीं पा रही हूँ कि फर्स्ट इंप्रेशन वाले वीडियो मैंने इसको यूज़ किया। स्टिल मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है, मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी। थोड़ा सा शीन है इस वाले प्रोडक्ट में जो कि ड्राई स्किन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा डल लगने लगती है अगर मैं ज़्यादा मैट प्रोडक्ट्स यूज़ कर लूँ, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। एंड पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा लाइट है। मैं हैंड्स पे स्वॉच करके दिखा देती हूँ कि इसका परफॉर्मेंस किस तरह का है, थोड़ा सा स्वॉच कर रही हूँ, ज़्यादा मैंने नहीं पिक किया, जस्ट थोड़ा थोड़ा पिक किया। आप देख सकते हैं कि हैंड्स पे थोड़ा सा मैंने इसको पिक किया है एंड इस तरह से मैंने इसको स्वॉच किया है। तो ये ब्रॉन्जर शेड है जो कि बहुत लाइट है, आपको विजिबल हो रहा होगा। मुझे पर्सनली लाइट ब्रॉन्जिंग ज़्यादा अच्छी लगती है, लाइट कॉन्टोरिंग ज़्यादा अच्छी लगती है, जो मिनिमल सी विजिबल हो, बहुत ज़्यादा कॉन्टोरिंग मुझे अच्छी नहीं लगती। आप देख सकते हैं ब्लश भी थोड़ा सा लाइट है, अगर आप इसको बिल्ड करेंगे तो इजीली बिल्ड हो जाएगा। एंड हाइलाइटर इज बैम बैम, बहुत अच्छा हाइलाइटर है। ओवरऑल आई जस्ट लव द प्रोडक्ट। तो ये मेरे कुछ लाइक प्रोडक्ट्स थे जो मैंने पिछले 2 मंथ्स में शॉपिंग की है फ्लिपकार्ट से और मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। इसमें से मैंने एक दो प्रोडक्ट्स के रिव्यूज भी पहले ही शेयर कर दिए हैं। तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो यस आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।